नमस्कार दोस्तों, आप लोग के बहुत बहुत स्वागत है ममिता सहनी कुकिंग चैनल में। तो आप लोग के बहुत बहुत महाशिवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज फिर से हम नए रेसिपी के साथ आए हुए हैं। तो बता देते हैं हम क्या महाशिवरात्रि स्पेशल लेकर आए हुए हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा आप लोग बने रहिएगा, वीडियो कहीं भी बीच में छोड़ के मत जाइएगा। जैसे मेरे ये रेसिपी आप लोग के अच्छी लगती होंगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करिएगा, महाशिवरात्रि स्पेशल रेसिपी। तो ले लिए हैं एक कप से थोड़ा सा कम है नारियल के पुरादा है। तो इसको क्या हम बनाएंगे, बहुत बढ़िया से इसको लड्डू बनाएंगे, नारियल के बुरादा से लड्डू। तो पूरा वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, कहीं भी वीडियो मत छोड़ के जाइएगा। तो सबसे तो पहले चलिए गैस पर हम चढ़ाते हैं कढ़ाही, उस कढ़ाही में डालकर इसको बढ़िया से हम रोस्ट करेंगे। और बस गैस पर कढ़ाही चढ़ा लिए हैं, अब तुरंत इसमें हम जो नारियल के बुरादा है इसको हम डाल लेते हैं। डालकर अच्छे से इसको 2 से 3 मिनट रोस्ट कर लेते हैं। बस इसको मध्यम आंच पर रोस्ट करना है, ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं रखना है, नहीं तो क्या होता है कि जो नारियल के उरादा है वो जल जाता है, तो बढ़िया वो स्वाद नहीं आता है नारियल के उरादा के लड्डू में से। नहीं इसमें हम खोया डालेंगे, नहीं मेवा डालेंगे, नहीं मिल्क पाउडर। ये देखिए हम क्या चीज़ से बना रहे हैं, 3 चीज़ से बनाएँगे इसको हम, बहुत बेहतरीन लड्डू बनकर तैयार होता है। मुंह में झाते ही घुल जाता है लड्डू, ज़रूर आप लोग एक बार बना कर खाइएगा ये लड्डू की रेसिपी। तो अच्छे से चलाते हुए इसको 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेते हैं बढ़िया से। दो से तीन मिनट इसको भूनते हुए हो गए, अब इसमें हम डाल लेते हैं देसी घी, आधा छोटा चम्मच डालकर अच्छे से इसको भूनते हैं थोड़ा सा और 1 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं 1 मिनट के लिए। अब ये जो नारियल के उरादा है ये भून चुका है बहुत बढ़िया, देखिए सुनहरा पर आ गया है। अब इसमें हम क्या चीज़ डालते हैं, जिस कटोरी से लिए थे नारियल के उरादा उसी कटोरी से हम दूध डालेंगे। तब उसी कटोरी से हम 1.5 कटोरी दूध ले रहे हैं, 1 कटोरी हो गया। और 1/2 कटोरी आधा कटोरी तो डालकर अच्छे से इसको मिक्स करते हैं पहले बढ़िया से। लो टू मीडियम फ्लेम रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना है इसको। एक खुद पर खुद गाढ़ा होते जाएगा पूरा। तो ये देखिए लगातार चला रहे हैं, ये गाढ़ा होते जा रहा है पूरा। अब इसमें हम क्या चीज़ डाल लेते हैं, वो है चीनी। तो चीनी लेते हैं जितना लिए थे हम नारियल के बुरादा उसे थोड़ा सा कम, हम 1/2 कप के करीब चीनी डाल रहे हैं। तब इसको लगातार चलाते हुए मिक्स करते हैं। अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। मिक्स करेंगे एक जो कढ़ाई है पूरा बेटर है, कढ़ाई छोड़ने लगेगा तब इसको हम निकालेंगे। ये देखिए चीनी डालते पूरा जो बेटर है पूरा पसीज गया है, घुल गया है इसमें। तो बढ़िया से लगातार चलाते हुए इसको कर लेते हैं मिक्स। अब इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा इलायची के पाउडर कूटा हुआ, अब बढ़िया से डालकर इसको कर लेते हैं मिक्स। अब थोड़ा सा हम इसमें रेंज फूड कलर डाल रहे हैं, डालकर अच्छे से इसको मिक्स करते हैं कलरफुल बनाने के लिए। ये देखिए कितना बढ़िया इसका कलर पूरा आ रहा है। अगर ये कलरफुल नहीं बनाना चाहते हैं
तो आप ऐसा भी बना सकते हैं इसको। तो ले लीजिए, पूरा लड्डू बनाने के लिए बैटर है तैयार। तब गैस को यहीं पर हम बंद कर लेते हैं, इसको 7 से 8 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखते हैं कि हमारा जो लड्डू बनाए तो हाथ में सह पाए। 7-8 मिनट बाद पूरा ठंडा हो चुका है, अब इसको लेते हैं इतना सा पोषण छोटा छोटा हाथ से दबाते हुए हाथ में लेते हैं, गोल गोल इसको पूरा घुमा लेते हैं। ये देखिए, दिख रहे होंगे कितना बढ़िया स्मूथ ये लड्डू बनकर तैयार हुआ है। तो रखते हैं थोड़ा सा ऊपर से जो नारियल के मुरादा है उसे हम कोट कर लेते हैं इसको। ये देखिए, तो पूरा ऐसा ही सभी को लेते हैं हम बनाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है एकदम से ना, मुंह में जाते घुल जाता है, थोड़ा भी नहीं है हार्ड लगता है खाने में। ये देखिए, फटाफट ऐसा ही सभी को हम बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो ये लीजिए, हमारा पूरा नारियल के मुरादा के लड्डू है तैयार। ये देखिए, दिख रहे होंगे कितना बढ़िया दिख रहा है, एकदम मुंह में जाते ही घुल जाता है, बहुत बेहतरीन लगता है, बहुत टेस्टी लगता है, ज़रूर एक बार आप लोग बनाकर खाइएगा। ये देखिए, तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा पूरा नारियल के मुरादा के लड्डू है बनकर तैयार। ये देखिए, तो आपको और हम पास से दिखा देते हैं कितना बनकर बढ़िया तैयार हुआ है, एकदम मुंह में जाते ये लड्डू जो है बस घुल जाता है। तो ये लीजिए, हम पास से दिखा रहे हैं, दिख रहा है ना कितना बढ़िया, कितना अच्छा, कितना टेस्टी। अगर दोस्तों ये नारियल के मुरादा वाला लड्डू की रेसिपी आप लोग के अच्छी लगती होंगी तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करिएगा। अपना प्यारा प्यारा हाथों से हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आप लोग के कैसी लगती है, लाइक ज़रूर करिएगा, आप लोग के एक लाइक से बहुत मुझे खुशी मिलती है। और कमेंट हमें ज़रूर करके बताइएगा कि ये रेसिपी आप लोग के कैसी लगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।